संगीत नाटक एकेडमी में आए ऑनलाइन कथक कार्यशाला का समापन। संगीत हमारी संस्कृति का आत्म तत्व। डॉक्टर नीलकंठ तिवारी एक महीने तक शास्त्रीय नृत्य से कई पक्षों से जुड़े देश और बहरीन व कैलिफोर्निया से प्रतिभागी लखनऊ 30 जून। संगीत हमारी संस्कृति का आत्म तत्व है। यजुर्वेद में नृत्य को व्यायाम के रूप में लिया गया है। नृत्य के अभ्यास से शरीर अंग तो खुलते ही हैं, शरीर निरोगी रहता है, उम्र बढ़ती है, मानसिक शारीरिक तनाव दूर होते हैं। आज सारा विश्व भारतीय योग व्यायाम के पीछे भाग रहा है। उद्गार संस्कृति मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने आज उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी सभागार में एकेडमी कथक केंद्र द्वारा संचालित कथक कार्यशाला के समापन अवसर पर व्यक्त किए। इस अवसर पर प्रमुख सचिव संस्कृति जितेंद्र कुमार, एकेडमी के अध्यक्ष डॉक्टर पूर्णिमा पांडे व सचिव तरुण राज भी उपस्थित थे। एकेडमी द्वारा संचालित लोक संगीत व रूप सज्जा कार्यशाला के बाद आज एकेडमी कथक केंद्र की 1 जून से चल रही कथक कार्यशाला का समापन। आज प्रतिभागियों के सीखे प्रदर्शन को बड़ी टीवी स्क्रीन पर संस्कृति मंत्री के अवलोकन व आशीर्वचन के उपरांत हो गया। एक महीने की यह निःशुल्क कार्यशाला कोविड-19 के कारण आए ऑनलाइन थी। इसमें बहरीन और कैलिफोर्निया के प्रतिभागियों समेत 400 से ज्यादा प्रतिभागियों ने 6 बैचों में प्रशिक्षण प्राप्त किया। यह जो है संगीत के जो तीन हमको बताया गया कि तीनों तत्वों को मिला करके यहाँ पर मुझे तो जानकारी मिलती कि शायद एक कथक का ही एक अलग से चल रहा होगा, लेकिन अभी आने को मालूम हुआ कि यहाँ पर नींद गीत संगीत तीनों को लेकर के इसको आगे बढ़ाया गया है और इसको लेकर के काम लोगों ने किया है और सब में लोगों ने पार्टिसिपेट किया और अपना ज्ञान भी बढ़ाया।